अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि हरियाणा राज्य पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 3 के प्रावधानों के तहत अस्तित्व में आया था। इस अधिनियम में पंजाब और हरियाणा राज्यों, हिमाचल प्रदेश तथा चंडीगढ़ के केंद्रीय शासित प्रदेशों द्वारा पंजाब के पुनर्गठन को प्रभावी बनाने के लिए कई उपाय किए गए थे। सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण द्वारा रावी और ब्यास नदियों के पानी में हिस्सा पाने का हरियाणा का अधिकार ऐतिहासिक, कानूनी, न्यायिक और संवैधानिक रूप से बहुत समय से स्थापित है। इस प्रतिष्ठित सदन ने SYL नहर को जल्द से जल्द पूरा करने का आग्रह करते हुए सर्वसम्मति से कम 7 बार प्रस्ताव पारित किए हैं। कई अनुबंधों, समझौतों, ट्रिब्यूनल के निष्कर्षों और देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों में सभी ने पानी पर हरियाणा के दावों को बरकरार रखा है और SYL नहर को पूरा करने का निर्देश दिया है। इन निर्देशों और समझौतों की अवज्ञा करते हुए इनके विरोध में हरियाणा राज्य के सही दावों को अस्वीकार करने के लिए पंजाब द्वारा कानून बनाए गए। इंदिरा गांधी समझौता, राजीव लोंगोवाल समझौता और वेंकट रमैया आयोग ने पंजाब राज्य के क्षेत्र में पड़ने वाले हिंदी भाषी क्षेत्रों पर हरियाणा के दावे को स्वीकार किया है। हिंदी भाषी गांवों को पंजाब से हरियाणा को देने का काम भी पूरा नहीं हो पाया है। ये सदन 1 अप्रैल 2022 को पंजाब की विधानसभा में पारित ये हिंदी में हाँ हिंदी को जो मैं जो पहले दिया गया है उसमें थोड़ा परिवर्तन, कुछ चीजें जोड़ी हैं वो आप ध्यान कर लें। वो कॉपी भी मिल जाएगी, लेकिन जो पास करेंगे वो मैं पढ़ रहा हूँ। बाद में हमने बैठ के कुछ चीजें हुड्डा साहब से, कुछ और लोगों से मत बना करके, और कुछ चीजें जो छूटी थी वो नहीं जोड़ी है उसमें। जो पंजाब ने रेजोल्यूशन पास करा है वो भी हमारे को प्रोवाइड होना चाहिए, जरा उसका भी हमें मालूम चले क्या हो सकता है। उसकी कॉपीज करवा के सदन पर के पटल पर रखी जाए, वो भी सदन पटल। यह सदन 1 अप्रैल 2022 को पंजाब की विधानसभा में पारित प्रस्ताव पर गहन चिंता प्रकट करता है, जिसमें सिफारिश की गई है कि चंडीगढ़ को पंजाब में स्थानांतरित करने के मामले को केंद्र सरकार के साथ उठाया जाए। ये हरियाणा के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। हरियाणा ने राजधानी क्षेत्र चंडीगढ़ पर अपना अधिकार लगातार बरकरार रखा है। इसके अलावा सदन ने इससे पहले भी संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चंडीगढ़ में हरियाणा राज्य के एक अलग उच्च न्यायालय के लिए प्रस्ताव पारित किया है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की भावना के खिलाफ है, जो नदी योजनाओं को उत्तराधिकारी पंजाब व हरियाणा राज्यों की साझा संपत्ति मानता है। सदन इस बात पर चिंता व्यक्त करता है कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासन में हरियाणा सरकार से प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारियों की हिस्सेदारी कम हो रही है। इन परिस्थितियों में ये सदन केंद्र सरकार से आग्रह करता है कि वह ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे मौजूदा संतुलन बिगड़ जाए और जब तक पंजाब के पुनर्गठन से उत्पन्न सभी मुद्दों का समाधान न हो जाए तब तक सद्भाव बना रहे। ये सदन केंद्र सरकार से यह आग्रह भी करता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालयों के निर्देशों की अनुपालना में सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण के लिए उचित उपाय करे। ये सदन केंद्र सरकार से आग्रह करता है कि वह पंजाब सरकार पर दबाव बनाए कि वह अपना मामला वापस ले और हरियाणा राज्य को पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पानी ले जाने व उसके समान वितरण के लिए हांसी बुटाना नहर की अनुमति दे। सदन केंद्र सरकार से ये सुनिश्चित करने का भी आग्रह करता है कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासन में सेवा करने के लिए हरियाणा सरकार के अधिकारियों के लिए निर्धारित अनुपात को उसी अनुपात में जारी रखा जाए जब पंजाब के पुनर्गठन की परिकल्पना की गई थी।